Namo namaha. Welcome back, students. In today's online session, we are going to continue with our lesson, Branto Balaha, The Deviated or Distracted Boy. In the previous session, we have seen that Branto Balaha is a story of a young boy who is more interested in playing rather than attending to school or studies. He doesn't have any interest in getting education. When his friends decline accompanying him, his extreme obsession with play provokes him to ask even a bumblebee and a sparrow to play with him. But being engrossed in their own work, both refuse to play with him. What happens next in the story is what we are going to see in today's online session. So let's continue with the story, Branto Balaha. हियर् इस् दि गद्यांशः ऐ रीड् इट् औट् तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद् अन्वेषयामि अपरं मानुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवालोकयत् प्रीतो बालः तम् इत्थं समबोधयत् रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व अहमपि क्रीडासहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामीति कुक्कुरः प्रत्यवदत् यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान् न मया इति स्टूडेण्ट्स्

Now let's see the dissolution of these words. Kinno balakaha. The dissolution is kinnaha plus balakaha. Pakshino manusheshu. The dissolution is Pakshinaha plus manusheshu. No The sandhi is Na plus upagachanti. तद्वयाम द प्लस त्लस्वेश मनुषोचित द मानुष प्लस उचितम कम इज द एक्सापल ऑफ संयोग एंड दि इज कम प्लस अपी

Tvam plus Eva is the example of sanyoga, and Eva plus Anurupam is the example of Sandhihi. Pashyamiti, the dissolution is Pashyami plus Iti. Yo maam, the dissolution is Yaha plus mam. Swamino Gruhe, the Sandhi vichedaha is Swaminaha. प्लस गृह रक्षा निगक एंड द नियोग इज्गक प्लस न नेक्स्ट वर्ड इज भ्रष्टव्यम ईषदी एंड द डिजोल्यूशन इज्रष्टव्य प्लस ईषत प्लस अपि हियर भ्रष्टव्य प्लस ईषत is the example of sanyogah and eṣat plus api is the example of sandhi now let's see the meanings of the words and the translation of the gadyamsha तदा khinnō bālakaḥ एते pakṣinō mānuśēṣu nōpagacchanti तदा then khinnah bālakaḥ the boy who was sad हु गॉट् अपसेट ए पक्षिण दीज बर्ड्स मनुषेशु नोपगछति डोंट कम नियर ह्यूमन बीइंग्स इट दे डोंट एंजॉय विथ ह्यूमन बीइंग्स देन द बॉय हु वाज़ सैड थॉट दीज बर्ड्स डोंट कम नियर ह्यूमन बीइंग्स तद अन्वेशयामी अपरम तद देन सो अन्वेषयामि ऐल फाइंड अपरम मनुषोचित विनोदयिता सम अद मशोचित एप्रोप्रिएट विनोदयाररम द वन हु अम्यूजिस् ह्यूमन बीइंग्स देन आई फाइंड सम अद सुटेबल एनिमल हु अम्यूजिस् ह्यूमन बीइंग्स इति विचित आफ्टर थिंकिंग दस पलायमानम की श्वानम अवलोकयत Palayamanam, the one who was running around. Kamapi shwanam, shwanam, dog. Avalokayat, he saw. And then he saw a dog running around. The translation of the sentence is Then the boy who was sad thought, These birds don't come near human beings. It means they don't enjoy with humans. So I'll find some other suitable animal who amuses human beings then he saw a dog running around prito balah tam ittham samabodhayat pritah delighted happy the delighted boy tam ittham samabodhayat said to him the delighted boy said to him रे मनुषाण मित्र किं पर्यट अस्द दिवसे रे मनुषाण मित्र ओ फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स किं पर्यटसी व्हाई आर यू रोमिंग अराउंड अस्दाघ दिवसे निदाघ दिवसे ऑन अ समर डे ऑन दि हॉट डे ऑफ समर ओ फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस व्हाई आर यू रोमिंग अराउंड ऑन दिस हॉट डे ऑफ समर

अहम क्रीडा सहाय ूप पशा इवन आई सी यू पश्या आई सी यू एज अनूप एज एन एप्रोप्रिएट क्रीड़ा सहाय पार्टनर कंपेनियन फॉर प्लेइंग इवन आई सी यू एज एन एप्रोप्रिएट कंपेनियन फॉर प्लेइंग इट मीन्स यू अपीयर टू मी एज अ परफेक्ट पार्टनर फॉर प्लेइंग कुक्कुरः प्रत्यवदत् द डाग् रिप्लाइड् यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान् न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति लेट् सी दि अन्वयः ओफ् दिस् वर्ड्स् हियर् इस् दि अन्वयः यह पुत्र प्रीत्या माम पोषयति तस्य स्वामिनः गृहे रक्षा नियोग करणात् मया ईशत अपि न भ्रष्टव्यम् नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द वर्स। यह माम पुत्र प्रीत्या पुत्र प्रीत्या लाइक हिज ओन सन अफेक्शनेटली पोषयति नरिशेस और रेजेस स्वामिनः गृहे In the house of my master. Raksha Niyoga Karanath, From the work of guarding, from the work of protecting. Na Maya I should not get distracted. Ishatapi. Even a little bit. The translation of the verses: I should not be distracted even a little. From the work of guarding the house of my master who nourishes me or raises me affectionately like his own son, I should not get distracted even a little from the work of guarding the house of my master who nourishes me affectionately like his own son. I hope you have understood it.

The word pritah is the Visheshanam of the word Balaha. Prachayashitalam is the Visheshanam of the Vishesham Tarumulam. And Anurupam is the Visheshanam of the word sahayam. Now let me take you to some important forms from the given Gaddyamshaha. Kinnaha. खेद धातुहु प्लस त प्रत्यय विचित्य वि उपसर्ग प्लस चिंत धातु प्लस लप प्रत्यय प्रीत हुँ। प्री धातुहु प्लस त प्रत्यय So students, we have seen that not only a bumblebee and a sparrow, But a dog also refuses to play with the young boy. Would these experiences make him realize his mistake? We will come to know about it in the next Gadgymsha. So let's see the Agri Mahagadgymsha. Attrashti Agri -Maha Aham Patami. सर्वैहि एवम निसिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्व कार्ये निमग्नो भवति न कोपी मामिव वृथा कालक्षेपम सहते नम एतेभ्यः यहि मे तंद्रालुतायाम् कुत्सा समापादिता अथ स्वचितं अहमपि करोमि इति विचार्य तरीता पाठशाला अगछत तत प्रभृति स विद्याभ्यसनी भूत महती प्रथाम् प्रथा संपदंज अलभत नाव मार्क मैक् वर्ड्स विथ संयोग और संधि हियर आर दि वर्ड्स now let's see the dissolution of these words sa balo bhagna manorathah the dissolution is Saha plus Balaha plus bhagna manorathah katham asmin is the example of sanyogah and the dissolution is katham plus asmin nimagno bhavati the dissolution is Nimagnaha plus bhavati कोपी द डिजोल्यूशन इज क्ल मव इज ऑल्सो दि एक्सापल ऑफ संयोग एंड दि डिजोल्युशन इज् प्लस इव नम एक दिवेद इज नम प्लस एोचित दिवेद इज Swa plus uchitam. Aham api is also the example of sanyogaha, and the dissolution is aham plus api. Sa vidya vyasani. The sandhi vichedaha is saha plus vidya vyasani. Now let's see the meanings of the words and the translation of the Gadyamsha. निषिद्ध सबाला भनमोरथ सन्षिद्ध निषिद्ध मीन्स रिजेक्टेड और डिनाइड द बॉय हू वॉज रिजेक्टेड और डिनाइड और टर्नड डाउन बाय ऑल भग्न भगनमनोरथ एंड हूज प्लान्स गॉट रूईंड द बॉय हू वॉज रिजेक्टेड और डिनाइड बाय ऑल एंड हु गॉट रुईन्ड थॉट कथमस्ट जगति प्रत्येक स्वस्व कार्ये निमग्नों अस्ट जगति इन दिस वर्ल्ड प्रत्येक एवरी वन स्वस्व कार्ये निमग्नोंवती इज बिजी विथ देयर ओन वर्क द ट्रांसलेशन ऑफ द सेन्टेंसेज द बॉय हु वॉज दस रिजेक्टेड बाय ऑल एंड हु प्ल गॉट रूइंड थॉट हाउ कम एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज बिजी विद यर ओन वर्क न कोपी मव वृथा कालक्षेप सहते न कोपी नो वन नो बडी मव लाइक मी वृथा कालक्षेप सहते वेस्ट्स टाइम नो वन वेस्ट्स टाइम लाइक मी

Who evoked the feeling of distaste towards laziness in me? It means those who made me realize that laziness is a bad thing. Atha, svochitam aham api karomi. Atha, then, aham api I will also do whatever is uchitam, good for me. So, I'll also do whatever is good for me. Iti vicharya, thinking so. तरीता पाठशाला अगछत क्विकली ही क्विकली वेंट टू स्कूल थिंकिंग दस ही क्विकली वेंट टू स्कूल तत प्रभृति स विद्याव्यसनी भूतवा महती वैदुषी प्रथा संपदम चलभत तत प्रभृति आफ्टर विद्याव्यसनी भूत बीइंग स्टूडियस mahatim vaidushim a lot of knowledge pratham fame sampadam wealth cha labhata. he acquired he obtained the translation of the sentences thereafter being studious he acquired a lot of knowledge and gained fame and wealth thereafter being studious, he acquired a lot of knowledge and gained fame and wealth. I hope you have understood it. Now let's see Visheshan Visheshapadani Padani from the given Gadyamsaha. The words Nishidhaha and Bhagna are the Visheshane of the word Balaha. Vidyavyasani is the Visheshanam of the Visheshyam Saha and Mahatim is the Visheshanam of the Visheshyam Vaidushim. Now let's move on to some important forms from the given Gadyam Shaha Nishidhaha, Ni Upsargaha plus Siddh plus Kta pratyaha, Vicharya. वी प्लस चर धातु प्लस निच प्रत्यय प्लस प्रत्यय भू भूत्वा भू धातु प्लस त्वा प्रत्यय स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट निच प्रत्यय इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस इट इज गिवन हियर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन So here ends the explanation of the lesson. I hope that you have understood the lesson very well. Now we are going to discuss the abhyasaha based on the lesson. So let's see the exercise. Question number 1 Eka padena uttaram likhata Kah tandraluhu bhavati Who is lazy in this story? And the answer is balaha. The next question is, Balakaha Kutra Vrajantam Madukaram Apashyat. Where was the bumblebee going when the boy spotted it? The answer is Dhyanam. The next question is, Ke Madhusangraha Vyagraha Abhavan? Students, it should be Abhavan. Make the correction. Ke Madhusangraha Vyagraha Abhavan?

on the branch of which tree was the sparrow building the nest and the answer is vatadrumasya Balakaha ki drusham shwanam pashyati what kind of dog was seen by the boy it means what the dog was doing when the boy spotted it the answer is palayamanam shwanah ki drushe divase paryatasi स्टूडेंट्स इट शुड बी पर्यटति श्वान कीदृशे दिवसे पर्यटति ऑन व्हाट काइंड ऑफ डे वाज द डॉग रोमिंग अराउंड द आंसर इज निदाघ दिवसे सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखिता प्रश्नाना उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत स्टूडेंट्स यू आर सपोज टू आंसर दीज कशन इन वन द फर्स्ट क्वेश्चन इज बालह कदा क्रीडिम अगछत वेन डिड द बॉय गो टू प्ले एंड गमन बागमनला क्रीडिम अगच्छत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाना अभवन। व्हाई वर द फ्रेंड्स ऑफ द बॉय इन अ हरी एंड द आंसर इज बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम त्वरमाना अभवन् द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान व्हाई डिड द बंबलबी इग्नोर् दि बॉयज कॉल दि आंसर इज मधुक मधुसंग्रह व्यग्रह आसत अतः सह बाक आह्वाह तिस्कृत द नेक्स्ट क्वेश्चनज बाकृश चटक अपश्य व्हाट् कैंड ऑफ स्पैरो वॉज सीन बय दि बॉय इट मीन्स वॉट द स्पैरो वॉज डूईंग वेन द बॉय स्पॉटेड इट And the answer is Balakaha Chanchwa Trunashala Dikam Adadanam Chatakam Apashyat. Let's see the next question Balakaha Chatakaya Kridanartham Kidrusham Lobham Dattavan. How did the boy try to lure the sparrow away? And the answer is Balakaha Chatakaya. क्रीडनाथ स्वादुभकवला लोभम दत्तवान द नेक्स्ट क्वेश्चन खिन्न बा्वा किम अकथयत वॉट डिड द बॉय हु वॉज सैड से टू द डॉग द आंसर इजिन्न बालक श्वानम अकथय रे मनुषाण मित्र किम् पर्यटसी अस्म निघ दिवसे इदं प्रच्छाय शीतलं तरु मूलं आश्रयस्व अहम् अपि क्रीडा सहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामि इति एंड द लास्ट क्वेश्चन इज भग्न मनोरथः बालः किम् अचिन्तयत् व्हाट डिड द बॉय हूज प्लान गॉट रुइंड थिंक द आंसर इज भग्न भगन्मनोरथः बालः अचिंतयत् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्व कार्ये निमग्नो भवति न कोपी मामिव वृथा कालक्षेपम् सहते अतः स्वोचितम् अहमपि करोमि इति। I hope you have understood it. Now let's see the next question. Question number three. निम्नलिखित श्लोक भावा हिंदी भाषा आंग्ल भाषा लिखत स्टूडेंट्स यू आर सपोज टू राइट द भावार्थ ऑफ द गिवन गिवर्स एंड द क्वेश्चन नंबर फोर इज भ्रांतो भ्रतोबाला कथाया साराशं हिंदी भाषाया आंग्ल्या लिखत It means write the gist of the story Branto Balaha in Hindi or English language. Students, I hope that you will be able to answer these questions with the help of the explanation given to you. Now let's see the next question. Question number five: Sthula Padanya Adhikrutya Prashna Nirmanang Kuruta. Frame questions on the basis of the words marked with bold. The first sentence is Swaduni Bhakshakavalani te dasyami. The word Swaduni is the Visheshanam of the word Bhakshakavalani. So the Prashnavakyam is Kidrashani Bhakshakavalani te dasyami. The next sentence is Chatakaha स्वकर्मणी व्यग्रह आसीत। द वर्ड स्वकर्मणी इज यूज इन सप्तमी विभक्ति सो दी so प्रश्नवाक्यम इस चटक व्यग्रह आसीत द नेक्स्ट सेन्टेन्स अस्ति एंड क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस इज कुक्कुर मित्रम अस्ति द नेक्स्ट सेंटेंस इज स सेटेन्स महती लब्धवान द वर्ड महतिम इज दि विशेषणम ऑफ दि वर्ड वैदुषेम एंड इट इज यूज्ड इन स्त्रीलिंगम सो दि क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड महतिम इज सह वैदुषेम लब्धवान द लास्ट सेंटेंस इज रक्षा निगकर मया न भ्रष्टव्यम इति एंड दश्नवाक्यम इस कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स एतेभ्यः नमः इति एक नम उदाहमुत नम इोगे चतु विभक् प्रयोग रचयत स्टूडेंट्स यू आर सपोज टू फ्रेम फाइव सेंटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड नमः एंड वर्ड इन एज नमः गवर्न्स चतुर्थी वन एक्सापल गिवन हियर एतेभ्यः नमः लेट सी सम मोर एग्जांपल्स देवाय नमः नम नमः आचार्याय नमः शारदायै नमः वासुदेवाय नमः स्टूडेंट्स लाइक दिस यू कैन आल्सो फ्रेम सम सेंटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड नमः

in which you are supposed to match the columns of the compound word and its dissolution or the vigraha we have not learned the compounds yet but we will solve this for the practice all the examples given here are of shashti tatpurush samasaha in the vigraha of this compound the first word is always used in shashti vibhakti and the second word is used in Prathama. So let's try to match the columns. Drushtipatham. The answer is drushtehe Panthaha. Pustaka Dasaha. The answer is pustakanam dasaha. Vidya vyasani. The answer is viddhyayaha vyasani. Pushpoddyanam. The vigrahah is displayed here, Pushpanam Uddyanam. I hope you have understood it. Let's see the next question. Adho Likhite Shu Padayugme Ekam Visheshya Padam Apramcha Visheshan Padam Visheshan Padam Visheshya Padamcha Pruthak Pruthak Chitwa Likhata. Students. You are supposed to identify which word is the Visheshanam and which one is the Vishesham from the given pairs of words. Let's try to identify. Khinnaha Balaha. The Visheshanam is Khinnaha and the Vishesham is Balaha. Palayamanam Shwanam. The Visheshanam is Palayamanam and the Vishesham is Shwanam. प्रीतः बालकः दि विशेषणम् इs प्रीतः एंड दि विशेषम् इs बालकः स्वादुनी भक्षकवलाणि स्वादुनी इs दि विशेषणम् एंड भक्षकवलाणि इs दि विशेषम्। त्वरमानाः वयस्यः त्वरमानाः इs दि विशेषणम् एंड वयस्यः इs दि विशेषम्। आई होप यू हैव अंडरस्टुड इट that brings us to the end of the presentation we will meet again with a new topic dhanyavadaah punarmilamah